एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज इरफान। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि मैं आप लोगों को बिगिनर सीरीज वर्कआउट बताऊंगा, तो आज ये पहली वीडियो है जिसमें मैं बाइसेप कवर करूंगा। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, सारे वर्कआउट, डाइट प्लान, हर्ष के थ्रू मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। एकदम बिगिनर, इसको 2 महीने अभी जिम को ज्वाइन किए हुए हैं और इसने काफी अच्छा वेट भी गेन किया और इसी वर्कआउट से ही काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये वर्कआउट उन लोगों के लिए सीरीज बनाई जा रही है कि जैसे कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं, 1-2 महीने होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसमें हम नॉर्मल वर्कआउट रखेंगे जिसमें आपका सुपर सेट भी कवर करेंगे, ड्रॉप सेट भी कवर करेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि सुपर सेट क्या होते हैं, ड्रॉप सेट क्या होते हैं, कब हमें पुश करना है, कितना होल्ड करना है, कितना वेट लेना है, तो वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला बाइसेप का वर्कआउट। तो हर्ष रेडी हो? चलो हर्ष रेडी है, चलो स्टार्ट करते। पहला सेट है वो है बारबल कर्ल। इसके अलावा आप जैसे केबल कर्ल ले सकते हो, पर बेसिक से हमें स्टार्ट करना है। तो बारबल कर्ल पहला हम क्या लेंगे, वार्म अप सेट। तो चलो हर्ष वार्म अप सेट दिखाओ पहले। बॉडी सीधी एकदम, चलो 20 रेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऊपर तक, 18, 19, 20। ओके रिलैक्स। तो अब हम अपना पहला सेट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप में हमने 20 रेप लिए थे, अब वार्म अप के साथ हम इसमें वेट ऐड करके स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेट। चलो हर्ष लगाओ, 12 रैप लेंगे। अगर 12 रैप आते हैं तो हम वेट बढ़ाएंगे, और उससे अगर कम आते हैं तो वेट नहीं बढ़ाएंगे, पर 12 रैप करने हैं। चलो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5। बॉडी एकदम स्टिल रहना चाहिए। 6, 7, पूरा फोकस आपके बाइसेप पर होना चाहिए। 8, कम ऑन, 9, 10, पूरा नीचे तक छोड़ो। 11, 12, रिलैक्स। कभी भी वेट ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है कि 4 रैप नहीं आ रहे लेकिन वेट एक्स्ट्रा ऐड करके पुश कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपके लोअर बैक पे भी पेन आएगा, और दूसरा क्या है कि आपके पीक पर कोई फोकस नहीं आने वाला। तो अगर आप ऐसा बिगनर स्टार्ट करें तो आपका पहले बेस अच्छा होना चाहिए। आपका अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो फिर आप आगे चल के कुछ नहीं कर सकते हो। वेट मैक्सिमम रखो, आपका रेपिटेशन अच्छा होना चाहिए, आपका पूरा पीक पे फोकस आना चाहिए, तभी जाके बाइसेप बनता है। ऐसा नहीं है कि बस हैवी मारने से बाइसेप बन जाता है, कुछ नहीं होता हैवी मारने से, उसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। तो अब जैसे कि 12 रैप लग चुके हैं, तो 12 रैप के बाद हम इसमें वेट इंक्रीज करेंगे। तो वेट ऐड करो, कट कर दो। चलो वेट जैसे ऐड किया है, स्टार्ट, 1, पुश स्लो डाउन, 2। जैसे कि हर्ष ने वेट ऐड किया है 12 रैप के बाद, तब इसमें क्या है, आप सपोर्ट ले सकते थोड़ा सा। वेरी गुड, स्लो डाउन, ओके रिलैक्स। तो हमें बारबेल कर्ल के करने हैं 4 सेट, जिसमें आपका पहला होगा वार्म अप सेट और 3 होंगे वर्किंग सेट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वो है डंबल कर्ल। तो डंबल कर्ल में जो हमारी फॉर्म होगी वो इस तरीके से नहीं होगी, दोनों डंबल्स को हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। बॉडी सीधी, चलो स्टार्ट, 1, पूरा पीक पर चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फ्लेक्स। तो डंबल कर्ल का क्या है कि अगर आप डंबल कर्ल नहीं लेना चाहते तो आप केबल कर्ल ले सकते हो, बट हमेशा पहले फ्री वेट ज्यादा यूज करें, क्योंकि फ्री वेट से ही आपकी लिफ्टिंग और ग्रोथ दोनों फ्री वेट से ज्यादा होती है। मशीन हम ले सकते हैं अल्टरनेट, जैसे कि हमने इस वीक अगर डंबल्स लिए तो उसके अकॉर्डिंग हम मशीन ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डंबल ज्यादा यूज करें। फ्री रैप तभी लगाना है जब आपके मैक्सिमम 12 आए। वेरी गुड, पुश करो एकदम पीक पे, कम ऑन, इजी, नाइस, पुश। चलो 4 और, 1, वेरी गुड, कम ऑन, आप, 2, यस, 3, 4, यू कैन डू इट, 4 मोर, 1, नाइस,
टू थ्री लास्ट वन, लास्ट वन, रिलैक्स। एज अ बिगिनर आप 4 से 6 रैप सपोर्टेड ले सकते हो, क्योंकि जब हम एक पीक तक पहुंचते हो, जब लगता है कि अब नहीं होगा, बॉडी बनना वहीं से स्टार्ट होती है जब आपके फील आता है। अक्सर क्या करते हैं, जैसे फीलिंग स्टार्ट होती है और रख देते हैं कि हो गया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आर्ट कर रहे हो और जब आपसे नहीं हो रहा, तो आप वहां पे 2 रैप पुश करके सपोर्ट लेके ले, तो उससे ही बॉडी बनती है। तो हर्ष की जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये सिर्फ 2 महीने की कंडीशन है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा इसका रिजल्ट। चलो बेस्ट, जो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा पीचर कल, ईजेड पीचर कल लो, या तो आप मशीन भी ले सकते हो, बट प्रीवेट पास पकड़ो, क्लोज पकड़ो, क्लोज 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 और क्लोज, इसमें लगे क्लोज ग्रिप, पूरा बैक सीधी स्ट्रेट अप। चलो उठाओ, वन, वेरी गुड, आराम से चलो स्टार्ट। टू, आप बोथ हैंड ले सकते हो या फिर सिंगल आर्म डंबल भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी गुड, चलो 5 रेप, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। या तो आप जेड बार कर ले सकते हो, या फिर आप 2 डंबल लेके कर सकते हो सेम। आगे लो, जिस तरीके से बारबेल की थी उस तरीके से बार डंबल्स लेंगे। वन स्लो डाउन, टू थ्री फोर फाइव, स्लो डाउन, एकदम पूरा हाथ सीधा करना। वेरी गुड, चार और, वन स्लो डाउन टू, हमेशा रेंज ऑफ मोशन पे एकदम ध्यान होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं, पूरा पुश करेंगे, जब पुश करेंगे तो ही पीक खींचेगा। ओके रेस्ट, 12 से 13 रैप होते हैं, आप वेट इंक्रीज करो बट परफेक्शन के साथ। ये हमारा थर्ड सेट जिसमें वेट इंक्रीज किया है, क्योंकि 12 रैप हुए थे, तो उस हिसाब से आप लोग भी हर एक सेट में वेट इंक्रीज कर सकते हैं, पर रैप 12 से ज्यादा या 12 ही आना चाहिए, 8-10 पे आपको बिल्कुल ही वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप एज अ बिगिनर कर रहे हो, तो सिर्फ आप अभी अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करें, आप अपने परफेक्शन पे फोकस करें, क्योंकि अभी से अगर आप परफेक्शन लाओगे तो ही आपका आगे चल के आपका परफेक्शन के साथ ही वेट लिफ्ट ज़्यादा बेटर होएगा। अगर अभी परफेक्शन अच्छा नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है वेट बढ़ाने का, क्योंकि वो फिर शोल्डर फोर आर्म्स यहाँ आएगा, आपके पीक पर नहीं आएगा। तो वेट ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, हमें पहले परफेक्शन के साथ परफेक्ट वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद वेट इंक्रीज करना है अगर आपके रेपिटेशन बढ़ते हैं तो। तो ये हमारा फोर्थ वर्कआउट है, डंबल हैमर कर्ल, या तो आप स्टैंडिंग हैमर कर्ल ले सकते हो या फिर बैठकर, पर अभी जैसे कि हमने स्टैंडिंग में बारबेल कर लिया था, तो हम हैमर कर्ल सीटेड कर लेंगे बैठ के। चलो हर्ष स्टार्ट करो। बॉडी सीधी, दोनों पैर ओके साइड में लो, चलो स्टार्ट गो। वन लो डाउन, टू थ्री फोर फाइव स्लो, सिक्स, आप देख रहे हैं कि एकदम जितना आप अच्छा परफेक्शन से करोगे उतना आपके पीक पर ही खिंचेगा। हैमर कल से आपका जो लॉन्ग हेड है उस पे टारगेट होता है, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका लॉन्ग हेड टारगेट होएगा। वेरी गुड, दो और स्लो डाउन, एक और रिलैक्स, तो पूरा हमारा ये लॉन्ग हेड पर आया। इसके भी हम लेंगे 3 सेट, हर एक सेट पे वार्म अप नहीं करना है, वार्म अप हमारा पहले ही था जो वर्कआउट से पहले था, बाकी हर एक में 3 सेट लेंगे। इन फ्यूचर जैसे जैसे आपका रेपिटेशन वेट वो सब बढ़ेगा, तब आप 4 सेट लेंगे, पर अभी फिलहाल में हमें 3 ही सेट लेने हैं, हर एक वर्कआउट के 3 सेट हैं। वेरी गुड, रेस्ट, डंबल कॉन्सेंट्रेट पीक वर्कआउट के लिए। चलो इसके भी हमें करना है 3 सेट, इसमें यहाँ पर ओके। परफेक्शन बहुत जरूरी है, हर बार बोल रहा हूँ परफेक्शन। ये देखो पीक, 15 रैप, स्लो डाउन, हमेशा इसमें क्या करना है, हाफ ले जाके लोग क्या करें, छोड़ते, हाफ नहीं, जब तक हम पूरा नहीं लेंगे तब तक ऊपर पुश नहीं करेंगे। ये चीज, ये पीक, पीक के लिए बेस्ट वर्कआउट है, आप कभी भी वैसे वर्कआउट करें, लेकिन ये चीज कभी आपको छोड़ना नहीं है कि डंबल कॉन्सेंट्रेट छोड़ दो। वर्कआउट पूरा होने का डंबल कॉन्सेंट्रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके सीधा पीक पे ही वर्क करता है। तो बाइसेप का हमारा वर्कआउट हुआ डन, पर बाइसेप के साथ लोग क्या करते हैं, फोर आर्म्स स्किप कर देते हैं,
जबकि हमें फोरआर्म्स स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपके फोरआर्म्स मजबूत होंगे तो ही आप अच्छा लिफ्ट कर पाओगे। तो कभी भी वर्कआउट बाइसेप का पूरा होने के बाद फोरआर्म्स को स्किप ना करें। तो इस फोरआर्म्स के लिए मैं आपको दो बेस्ट वर्कआउट बताने वाला हूँ। आप जब भी आपका वर्कआउट पूरा हो उसके बाद आप फोरआर्म्स के दो वर्कआउट ये लगाएं, जिसके तीन तीन सेट। तो इससे क्या होगा कि आपका फोरआर्म्स जब मजबूत रहेगा तो आपका लिफ्टिंग अच्छा रहेगा। चलो आज पहला सेट रिवर्स केबल कर्ल फोरआर्म्स के लिए। चलो बॉडी सीधी, इससे हमेशा बॉडी सीधी और अप वन, ये बस इतना, इसमें हाफ ही लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव, बस इतना। सिक्स सेवन एट, इसको हमें पूरा नहीं छोड़ना, पूरा छोड़ेंगे तो रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ रेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहां तक रखेंगे तो ये क्या आपका फोरआर्म्स खींचा हो रहेगा। ओके रिलैक्स रेस्ट। फोरआर्म्स की जो सेकंड वर्कआउट है देखिए, आपके एक सीधी बारबेल लेके पर ये आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि आज आप बिगनर हो तो आप सिंगली एक आप इस तरीके से डंबल लेना है नॉर्मली बैठ के। थ्री फोर फाइव, इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं एज अ बिगिनर बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से आप डंबल एक ले सकते हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस तरीके से एक बार भी ले सकते हो बार को लेके। बट बेटर ये है कि सिंगल आर्म डंबल लो और पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका यहाँ होना चाहिए नॉर्मली। वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से आप 15 15 रैप लेके, अगर आपके 15 15 से ज़्यादा आते तो आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम कभी आप ट्राई कर तो आप बैठ के बार भी ले सकते हो, पर वेट के साथ, परफेक्शन के साथ। फाइनली बाइसेप और फोरआर्म्स का वर्कआउट हुआ डन। अगर आपको ये वर्कआउट अच्छा लगता है आप एक बार इसको फॉलो करें, क्योंकि हर्ष भाई ने बहुत मेहनत की है और मैंने करवाई है। तो आते जो आपकी वीडियो आने वाली है, अब वो ट्राइसेप के ऊपर है। तो इस वर्कआउट को एज अ बिगिनर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको जिम जा रहे हो पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं। आई होप कि हर कोई तो नहीं जानता कि जिम जाते ही सारा वर्कआउट पता हो ये करना है ये करना है। तो इस वीडियो का जो मैंने 5 वर्कआउट बताए हैं आप उसको अपने 12 वीक में फॉलो करें वीकली, तो उस हिसाब से आपके बाइसेप का 100% ग्रोथ होगा। बट न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है सिर्फ वर्कआउट करने से ही आपका बॉडी बनने लगती है, या बहुत से लोगों का क्या होता है कि बस बाइसेप बनाना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप जितना अच्छा न्यूट्रिशंस लोगे उतना आपका बॉडी में रिजल्ट आएगा। बट आप इस वर्कआउट को फॉलो करें, न्यूट्रिशंस को अच्छे से फॉलो करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है हर्ष भाई की वो ट्राइसेप की है। मैं आपको पूरे ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट बताने वाला हूँ। आप इसी वर्कआउट को अगर 12 वीक फॉलो करते हो, और उसमें आपकी डाइट प्लान भी बताऊंगा। कितना वजन बढ़ा आपका हर्ष भाई? 13 किलो। 13 किलो गेन हुआ। अभी आप बॉडी कंडीशन देख लो सिर्फ एक मंथ में। जो इसकी डाइट है आपको वही मैं शेयर करने वाला हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फॉलो करें, और इस वीडियो को शेयर कर दें जिस तक पहुंच जाए, जिसका भला हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल भला कोई नहीं करता पर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई से वर्कआउट हर्ष भाई के साथ। ओके बाय।